हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का इंग्लिश बाल भारती की जो आपका लेसन नंबर फिफ्थ है, सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, इसका हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से इसका एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए तो आप मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसके लिए थैंक यू। तो शुरू करते हैं। पहले हम राइट द आंसर टू द फॉलोइंग, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उसका आंसर लिखना है। तो पहला है, हु हैज़ टॉट टू द पोएट ऑल हिज नोज, इसका मतलब हो गया है आज जो कुछ पोएट जानता है वह उसे किसने सिखाया है ना। तो आंसर है द सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, मतलब छः ईमानदार सेवक, डैट द पोएट कीप्स टॉट हिम ऑल ही न्यूज़, मतलब आज पोएट जो कुछ भी जानता है उसको उसके सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन ने सिखाया है। सेकेंड है, क्वेश्चन है, वेन डज द पोएट गिव देम ऑल अरेस्ट, मतलब पोएट उन सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन को कब आराम देता है। तो इसका आंसर है द पोएट गिव देम रेस्ट, यहाँ पे गिव भी हो सकता है या लेट भी चलेगा, गिव भी चलेगा। द पोएट लेट देम रेस्ट या पोएट गिव देम रेस्ट, कब रेस्ट देता है, फ्रॉम 9 to 5, मतलब 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो पोएट है सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन को रेस्ट देता है। एज वेल एज, साथ ही साथ और क्या करता है, ब्रेकफास्ट देता है, लंच देता है और टी देता है। तो पोएट जो है सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन को 9 से 5 बजे तक रेस्ट देता है और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी देता है, लंच भी देता है और चाय भी देता है। थर्ड, हु कीप 10 मिलियन सर्विंग मैन, मतलब 10 मिलियन सर्विंग मैन कौन रखा है, किस कौन रखता है, किसके पास है। अ स्मॉल पर्सन द पोएट नोज, एक स्मॉल पर्सन जिसको पोएट जानता है, कीप 10 मिलियन सर्विंग मैन, अ स्मॉल पर्सन, एक छोटा व्यक्ति, द पोएट नोज जिसको पोएट जानता है, कीप 10 मिलियन सर्विंग मैन, उसके पास 10 मिलियन सर्विंग मैन अपने पास रखा है। डू द सर्विंग मैन ऑफ द स्मॉल पर्सन गेट एनी रेस्ट, मतलब जो स्मॉल पर्सन जो 10 मिलियन सर्विंग मैन रखा है, क्या वो उसको कोई आराम देता है। नो, द सर्विंग मैन ऑफ द स्मॉल पर्सन गेट नो रेस्ट, मतलब 10 मिलियन वो जो स्मॉल पर्सन है वो क्या करता है, उस कोई भी आराम नहीं देता है। राइट द नेम ऑफ द सिक्स सर्विंग मैन, सिक्स सर्विंग मैन जो हैं उनका नाम बताना है। द नेम ऑफ द सिक्स सर्विंग मैन आर व्हाट, क्या, व्हाई, कैसे, व्हेन, कब, हाउ, कौन, वेयर, कहाँ एंड हु, कौन। तो सिक्स सर्विंग मैन का नाम बताया गया है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु, ये सिक्स सर्विंग मैन हैं। आगे देखते हैं, फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस इन सच ए वे डैट यू यूज ईच ऑफ देम एट लीस्ट वंस, मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, मिस्टर पाटिल इज आवर इंग्लिश टीचर, मिस्टर पाटिल हमारे क्या है, इंग्लिश टीचर है। तो कैसे बनाओगे,
हु इज आवर इंग्लिश टीचर, हमारे इंग्लिश टीचर कौन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मिस्टर पाटिल। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, सेंटेंस हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, आई केम टू स्कूल बाई बस, आई केम टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल आता हूँ। क्वेश्चन बनाओ, हाउ डू आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे आता हूँ, ये हो गया क्वेश्चन। फिर है आवर स्कूल स्टार्ट एट 11 AM, हमारा स्कूल 11 AM पर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन बनाओ, व्हेन डज आवर स्कूल स्टार्ट, हमारा स्कूल कब शुरू होता है, या हमारा स्कूल कितने बजे शुरू होता है। फिर है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डज द सन राइजेस, मतलब सूरज, वेयर डज द सन राइजेस मतलब सूरज किस दिशा में निकलता है। ओके, ये क्वेश्चन बन गया, तो आंसर आंसर क्या होगा इसका, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वही हो जाएगा। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम की वजह से मैं लेट हो गया। तो अभी इसका क्वेश्चन बनाओ, वाई वाज आई लेट, मैं क्यों लेट हो गया था। फिर है सिक्स, फनी स्टोरीज मेक मी लाफ, मतलब फनी मतलब क्या होता है, मजाकिया कहानियाँ, कहानियों से मुझे हंसी आती है। तो व्हाट मेक मी लाफ, क्या चीज़ मुझे हंसी दिलाती है, तो आंसर क्या आएगा, फनी स्टोरीज ना। तो व्हाट मेक मी लाफ, मुझे क्या हंसी दिलाती है, ये हो गया क्वेश्चन। आगे देखो, विच ऑफ द सिक्स सर्विंग मैन डू यू लाइक द मोस्ट, मतलब किस सिक्स सर्विंग मैन को तुम ज़्यादा पसंद करते हो। तो आई लाइक हाउ, मैं हाउ को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक हाउ द मोस्ट, मैं हाउ को ज़्यादा पसंद करता हूँ। विच ऑफ द सिक्स सर्विंग मैन डू यू यूज़ द मोस्ट, सिक्स सर्विंग मैन में से, छह ईमानदार सेवक में से तुम किसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। आई यूज़, आंसर हो जाएगा आई यूज़ वाई द मोस्ट, मैं वाई इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मतलब मैं सिक्स सर्विंग मैन में से वाई इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और लाइक बटन को दबा सक को दबा देंगे, दबाने के लिए थैंक यू।